हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू एग्जामपुर मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देंगे और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले सभी बच्चे जल्दी जल्दी से सेशन से 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 को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चलिए शाबाश सेशन से से को शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइव आ जाइए आज की हमारी क्लास शुरू हो चुकी है तो बिना टाइम वेस्ट किया आप लोग जितना जल्दी लाइव आएंगे हम अपनी क्लास की शुरुआत उतनी ही जल्दी करने वाले हैं चलिए शाबाश वेरी गुड मॉर्निंग सभी को चलो बहुत अच्छी बात है सब मस्त है तो सेशन शेयर कर दो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं देखो राइट टाइम पर आपकी क्लास शुरू हो चुकी है तो आप भी टाइम से क्लास में आइए शाबाश चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सामने देखिए क्या है परचम पर आपको मिल रही है तीस परसेंट की छूट यानी कि आपका एग्जामपुर परिवार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा बेच लेकर आया था परचम बेच जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है कौन कौन सा होगा यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल लेखपाल ठीक है आई एस पी सी एस रेलवे जो भी है स्टेट एग्जाम सभी एग्जाम्स का कोर्स जितने भी है एग्जामपुर परिवार के सभी पर आपको मिलता है तीस परसेंट की छूट और तीस परसेंट की छूट आपको कब मिलेगी जब आप कोड अप्लाई करेंगे एग्जाम थर्टी ठीक है तो जिन्होंने नहीं ले रखा या अदर कोई कोर्स परसेज नहीं कर रखा तो वो बच्चे कोर्स को जरूर लीजिएगा इसमें आपको थर्टी परसेंट की छूट मिलने वाली है और ये थर्टी परसेंट की छूट आपकी लिमिटेड टाइम के लिए है ठीक है ऑफर वैलिड सीमित समय के लिए तो इसको ध्यान में रखिएगा और जैसे कि हमारा हरियाणा सीई के लिए स्पेशल चला हुआ है किसान बेच उस किसान बेच में भी आपको मिलने वाली है थर्टी परसेंट की छूट कल तक आपको फोर्टी फाइव मिल रहा था लेकिन अभी थर्टी है और थर्टी परसेंट भी कुछ ही टाइम के लिए मिलेगा उसके बाद ये ऑफर भी बंद होने वाला है तो फटाफट से जिन बच्चों ने हरियाणा सीई के लिए किसान बेच नहीं ले रखा वो जल्दी जल्दी से किसान बेश को ले लीजिए ठीक है चलिए अभी क्लास को हम शुरू करें वेरी गुड मॉर्निंग एक एक बार जितने स्टूडेंट क्लास में आ गए सेशन शेयर कर दो हम अपनी आज की क्लास को शुरू कर देते हैं चलिए शाबाश सभी को राम राम सभी को नमस्ते चलो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की शानदार सी क्लास की तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फटाफट से जितना जल्दी हो सके, सभी बच्चे आंसर करेंगे मुझे देखना है कि इसका आंसर सबसे पहले आता है ठीक है क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर कर्म से रखने पर कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा सिंपल सा अगर मैं कहूं तो ये वाली आपके सामने एक सीरीज है इसमें जो खाली स्थान दे रखे हैं उस खाली स्थान को आपको भरके बताना है कि चारों ऑप्शन में इस खाली स्पेस में हमारा कौन कौन सा अल्फाबेट आने वाला है जल्दी जल्दी से बताइए कितने हैं मैं काउंट करके आपको बता देती हूँ देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह है बांट लो कितने कितने में बांटोगे या तो तीन तीन में बटेगा पंद्रह तो क्या है तीन से डिवाइड होता है या फिर पांच से होता है तो या तो तीन तीन के पार्ट बना लो या फिर पांच पांच के बनाकर देखिए और उसके बाद कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए सुरेश नापा कोर्स कैसे लोगे एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए वहां से पेड कोर्स के अंदर जाना वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा हरियाणा सीईटी किसान बेच उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑफर का पहले लिखा जाएगा यूज कूपन कोड तो वहां पर आप कोड अप्लाई कर देना एग्जाम थर्टी उसके बाद आपको थर्टी परसेंट उस पर ऑफ हो जाएगा फीस पे और उसके बाद आप वहां से फीस को पे कर दीजिएगा ठीक है चलिए बताइए शाबाश आंसर आना शुरू हो गया सेशन को शेयर करते रहना सभी ठीक है अब देखो इसमें या तो हम तीन के पार्ट में बांटेंगे या फिर पांच में बांट सकते हैं तो सबसे पहले मैं तीन का लेकर देखती हूं फर्स्ट वाले तीन सेकंड ये तीन फिर ये तीन फिर ये तीन और फिर ये तीन अब देखो क्या दिख रहा है मुझे सेकंड वाला कंप्लीट दिखा यानी कि ये वाला जो तीसरा है ये वाला ठीक है इसमें क्या बना दिख रहा है मुझे डबल ए बी ठीक है क्या दिखा डबल ए बी और यहां पर मुझे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर ये जहा डबल ए बी दिखा तो यहां मैं सेम टू सेम रख के देख सकती हूं डबल ए बी ठीक है अब देखो यहाँ पर फिर से डबल ए है लेकिन दूसरे में यहां पर अगर मैं बी रखूंगी तो यहां पर देखो डबल ए सी हो गया यानी कि यहाँ पर लास्ट में सी है तो यहां पर मैं बी नहीं रख सकती क्योंकि दो दो तो कम से कम सेम होना चाहिए तो मुझे सिर्फ मानकर देखना है कि मैं यहां पर सी रखकर देखू अब देखो क्या बन गया डबल ए बी फिर बना डबल ए सी सेकेंड में फिर तीसरे में वापिस डबल ए बी चौथे में फिर से डबल ए सी और पांचवे में फिर से डबल ए बी इस तरीके से बन जाएगा फर्स्ट में डबल ए बी फिर डबल ए सी फिर डबल ए बी इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा ए सी ए बी ए सी ए बी होगा क्या ए सी अच्छा ए सी ए सी ए ए आपका है ऑप्शन सी में तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा ऑप्शन सी होगा ठीक है सी वालों का बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए नेक्स्ट में बोला है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सार्थक कर्म दर्शाएगा सार्थक कर्म दर्शाना है यानी कि अरेंज करके बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा होगा सबसे लास्ट कौन सा होगा सवद आपको क्या क्या दे रखा है काटना पहनना सिलाई करना नापना और चाक से निशान लगाना सबसे पहले कौन सा काम करते हैं सभी में से उसके हिसाब से आंसर कीजिए शाबाश। इतना तो पता ही होगा ना कि दर्जी जो होता है वो क्या काम करता है कैसे करता है बताइएगा आंसर क्या होगा ए ए ए चलो देखते हैं दो का ए आ रहा है क्या तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले मेजरमेंट होती है यानी कि किसी किसी का अगर सूट सीला जाता है तो सबसे पहले नाप लिया जाता है ठीक है तो सबसे पहले मैं लेती हूं नापना यानी कि चार नंबर नापने के बाद क्या किया जाएगा फिर उसके कपड़े के ऊपर चौक से निशान लगाए जाते हैं, फिर आएगा पांच नंबर निशान लगाने के बाद उसको काटा जाता है यानी कि एक नंबर काटने के बाद उसको सीला जाएगा तीन नंबर और लास्ट में सीलने के बाद उसको पहना जाएगा तो दो नंबर यानी कि चार पांच एक तीन दो और चार पांच एक तीन दो कहाँ है आपका ऑप्शन फर्स्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से बता दीजिएगा देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन यदि माइनस का अर्थ भाग प्लस का अर्थ गुना भाग का अर्थ घटाओ तथा गुना का अर्थ जमा हो यानी कि प्लस हो जमा का मतलब प्लस होगा ठीक है तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण यहां पर सही है आपको ऊपर निशान दे रखा है उसके हिसाब से चेंज करना है आपस में निशान को पलट दीजिए उसके बाद इस इक्वेशन को चारों को सोल्व करके देखो और बताइए कि चारों में से कौन सी यहां पर करेक्ट बनेगी देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है बातें मत करो सेशन शेयर कर दो अच्छे से और पढ़ लो ठीक है बताइए शाबाश सुरेश नापा बच्चे बता दिया है प्ले स्टोर से एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो उसके बाद उसको ओपन कीजिए फिर आपको वहां पर पेड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा उसमें जाना वहां पर आप किसान बेच का ऑप्शन मिलेगा सीई किसान बेच उस पर क्लिक करना आगे आपका अपने आप हो जाएगा यानी कि आपको वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना होगा तो आप एग्जाम थर्टी वहां पर अप्लाई कीजिए और उसके बाद आपकी फीस पे होगी और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी ठीक है ए आएगा चलो देखते हैं ए आएगा क्या ए आएगा क्या आंसर मुझे तो नहीं लग रहा ए आएगा चलो देख लो पहले कुछ बच्चे बोले हैं ए आएगा अब देखो भाग का अर्थ घटाओ यानी कि इसको मैं यही चेंज करके देख लेती हूँ यहां माइनस होगा माइनस का अर्थ भाग तो यहां पर भाग होगा फिर प्लस का अर्थ गुना तो यहां गुना का निशान हो जाएगा और गुना का अर्थ क्या है जोड़ तो यहाँ पर जोड़ होगा सोल करके देख लो सबसे पहले भाग सोल होगा तो क्या बनेगा चौबीस माइनस चार दूनी आठ दो आएगा फिर गुना दो प्लस तीन अब देखो दो दूनी चार चौबीस में से चार घटाया बीस बीस में तीन जुड़ा तेईस लेकिन यहाँ बराबर सोलह आ रहा है तो फर्स्ट तो नहीं होगा फर्स्ट वाला तो गलत हो गया अब बताइए बाकी आंसर फर्स्ट वालों का तो गलत हो गया इसी तरीके से सारे चेक करने हैं आपको ठीक है तो अब हम पहले करते हैं डी वाले को चेक डी में देखो यहाँ प्लस है आपको प्लस को क्या लेना है प्लस का अर्थ गुना यहां पर माइनस है माइनस का अर्थ लेना है भाग यहाँ गुना है तो गुना का अर्थ लेना है प्लस और भाग का अर्थ क्या लेना है आपको घटाओ अब इसको सोल्व करके देखो तो चौबीस गुना पहले भाग सोल्व करेंगे चार दूनी आठ ठीक है फिर उसके बाद प्लस दो माइनस तीन सोल्व कीजिए चौबीस दूना अड़तालीस अड़तालीस और दो कितना होगा पचास पचास में से तीन घटाया तो कितना आएगा फोर्टी सेवन यानी कि ऑप्शन डी यहां पर ऐसा है जिसमें हम निशान चेंज करके अगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ दे रखा है फोर्टी सेवन और इसको सोल्व करने पर भी हमारा कितना आता है फोर्टी सेवन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है ठीक है डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा नेक्स्ट में देखो क्या बोला ए एक पुस्तक पढ़ता है ए क्या करता है एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह है क्या है परिचित है उसके बाद बोला सी का चाचा लेखक बी है ए की पुत्री सी है तो आपको बताना है किस प्रकार ए से बी संबंधित है यानी कि ए जो है वो बी के क्या लगेगा बताइए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ए जो है वो बी के क्या लगेगा बताइए शाबाश वेरी गुड संदीप शर्मा का आंसर आ भी गया इतना जल्दी शाबाश आप लोग भी पूरा फोकस अपना क्वेश्चन पर रखिए ठीक है बातों में रखोगे तो फिर आंसर आपका लेट आएगा जितना जल्दी हो सकता है आंसर दीजिए वेरी गुड देखो अब इसने बोला ए क्या करता है एक बुक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, है यानी कि उस पुस्तक का जो लेखक है उसको वह है जानता है इतना दे रखा है अब नेक्स्ट बोला सी का चाचा लेखक बी है एक व्यक्ति है सी उसका चाचा है बी और वो क्या है लेखक है ये क्या है उसका चाचा है यानी कि प्लस अब नेक्स्ट दिया A की पुत्री सी है ए की पुत्री ये बेटी है सी ए की बेटी सी है तो सिंपल सी बात है किस प्रकार ए बी से संबंधित है ए की पुत्री सी है अब एक चीज ध्यान रखना ए का जेंडर यहां पर क्या होगा कैसे निकालोगे यहां तो हमें पता है ए आ गया ए का जेंडर यहां पर क्या होगा तो ऊपर लाइन पढ़िए एक पुस्तक पढ़ता है पढ़ती है नहीं है यहां पर पढ़ता है इसका मतलब ए क्या है एक मेल पर्सन है तो इसके लिए प्लस लेंगे अब अगर ये इसका चाचा है सी का बी और ए इसका क्या हो गया पिता होगा सिंपल सी बात है क्योंकि सी की बेटी है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई भाई और आपसे पूछा क्या है किस प्रकार ए से बी संबंधित है तो ए जो है वो बी के क्या लगता है भाई लगता है ब्रदर लगता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन फर्स्ट होगा फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में बनाइए शाबाश देखो अगला क्या कहता है किसी एक खास सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में आपको दे रखा है नो मोर फूड नो मोर फूड का कोड आपको दे रखा है फिर यहाँ पर मोर देन डेट का कोड दे रखा है तो आपको बताना है उस सांकेतिक भाषा में डेट का कोड क्या होगा यहां पर आप बताइए कि डेट का कोड जो है वो क्या रहने वाला है ऊपर दे रखा था ना ये पड़ता है इसलिए उसका आएगा पॉजिटिव इसका आंसर कीजिए क्या होगा ए बी सी डी या फिर ई e? पांच ऑप्शन है पांचों में से करेक्ट कौन सा होगा एक सिंगल एस ए दे रखा है के ए फिर सी में एस ई या पी ए चौथा है जानकारी अधूरी है और पांचवा इनमें से कोई नहीं पांचों में से कौन सा होगा देखो अलग अलग आंसर आ रहा है सबका तो एक चीज देखना यहां पर आपको दिया नो मोर फूड सेकेंड लाइन में अगर हम चेक करें फर्स्ट में नो मोर फूड था सेकेंड में अगर हम चेक करें तो क्या है मोर देन डेट यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो यहां पर है मोर और यहां पर भी है मोर, तो इसका मतलब हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि इस मोर का कोड क्या होगा अब कोड चेक कर लो इसके अंदर देखिए टी ए के ए डी ए इसमें है एस ए पी ए के यहाँ के ए है यहां भी के ए है तो मोर का कोड क्या है के अगर आपसे पूछा जाता कि मोर का कोड क्या होगा तब तो हमारा आंसर होता के ए लेकिन इसने पूछा है डेट का कोड क्या होगा अब देखो डेट कहां पर है तो यहां पर इस लाइन के अंदर मोर देन डेट कंप्लीट है मोर देन डेट जिसमें से हमें ओनली मोर का कोड पता है कि क्या है के ए बाकी पीछे कौन सा बच गया तो पीछे बच गया एस ए और पी ए तो हमें क्या करना है एस ए और पी ए में से हमें कंफर्म नहीं है कि more, का कोड कौन सा है और डेट का कौन सा है आपसे डेट का पूछा हुआ है इसलिए आंसर क्या दोगे ऑप्शन सी में नहीं है एसई -E दे रखा है ठीक है तो इसमें तो एस ई -E और पी ए दे रखा है ऑप्शन सी में एसई पी ए दे रखा है लेकिन यहां पर क्या है एस ए पी ए तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा अब हमें डेट का कोड यहाँ पर कंफर्म नहीं है तो आंसर क्या दोगे ऑप्शन डी दोगे कि जानकारी अधूरी है ठीक है इस क्वेश्चन में जिनका आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है जल्दबाजी में जिसने सी किया है उनका गलत है क्योंकि यहाँ पर एस ई है और वहां पर एस ए है दोनों में फर्क है ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी डी और ई नहीं आएगा ई नहीं आएगा क्योंकि ये चीज तो कन्फर्म हो रही है ना कि इसने जानकारी अधूरी दी है दो शब्द पीछे बच गए दोनों का हमारे पास कन्फर्म नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं आएगा यहाँ पर आंसर आएगा जानकारी अधूरी है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट में क्या दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या या शब्द को चुनिए यहाँ पर आपको विषम बताना है कौन सा है चार ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट है गेंदा सेकंड ट्यूलिप तीसरा कमल और चौथा गुलाब चारों में डिफरेंट कौन सा होगा बताइए जल्दी से जल्दी बताइए शबश एक एक बार सारे स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्या होगा वेरी गुड कुछ बच्चों का सही आ रहा है ठीक है तो यहां पर जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बी यानी कि ट्यूलिप वो बिल्कुल करेक्ट है अब ट्यूलिप क्यों होगा क्योंकि ट्यूलिप जो है वो एक प्रकार का क्या है पौधा है ट्यूलिप एक प्रकार का क्या है पौधा है और बाकी सारे क्या है फूल है गेंदा फूल है कमल फूल है और गुलाब फूल है लेकिन ट्यूलिप फूल नहीं है ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा है तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा होगा ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पित्तल पित्तल इस्पात कांस्य और टीन पित्तल इस्पात कांस्य और टीन में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा यानी कि चारों में डिफरेंट यहाँ पर कौन सा होगा बताइए हाँ बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से बताइए शाबाश वेरी गुड अब इसमें जिसका आंसर आ रहा है टिन उसका बिल्कुल सही है अब यहां पर आंसर राइट बनेगा टीन ऑप्शन डी क्यों क्योंकि बाकी सारी की सारी टीन को अगर लिया जाए तो पतली चादर के रूप में होता है बाकी सारी की सारी क्या है ठोस धातु के रूप में है ठीक है तो यहाँ पर तीनों सेम है लेकिन तीन यहाँ पर डिफरेंट होगा तो राइट आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इक्यासी दस इसमें भी क्वेश्चन वही है विषम चुने डिफरेंट बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा रहेगा फर्स्ट है इक्यासी सो दस फिर इक्यानवे सो फिर ग्यारह सो नवासी और फिर बारह सो चौतीस चारों के अंदर डिफरेंट कौन सा है जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या बनेगा एक एक बार सारे बच्चे सेशन शेयर भी कर दो शाबाश जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा वो लाइक भी कर दीजिए वन टू थ्री फोर कैसे होगा इसका डिफाइन भी कर दो साथ में बता भी दीजिए कि आप जो आंसर दे रहे हो किस तरीके से और किस किस लॉजिक से है आपका आंसर किस लॉजिक से है ये भी बता दो चलिए देखो मैं बताती हूं अब इसका राइट आंसर देखो अपने आप निकल जाएगा क्या बनेगा एट प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो इक्यासी सौ दस में जितनी संख्या है सबको अलग अलग जोड़ दो जोड़ कितना बनेगा आठ नौ और एक दस इसमें जोड़ेंगे नौ प्लस एक प्लस जीरो प्लस जीरो कितना बना दस इसमें जोड़ दो एक प्लस एक प्लस आठ प्लस नौ आठ दो दस और उन्नीस ठीक है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार चार तीन सात दो नौ और एक दस अब आ गया होगा सबका आंसर चारों ऑप्शन में से तीन संख्या ऐसी है जिनका जोड़ यहाँ पर अंकों का दस 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 सेम बन रहा है लेकिन ऑप्शन सी के अंदर संख्या के अंकों का जोड़ उन्नीस बन रहा है दस नहीं बन रहा तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो गया ऑप्शन सी होगा ठीक है तो सी वालों का आंसर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बताइए ताला रिलेटेड है चाबी से तो अपराध का क्या आएगा ताला चाबी तो अपराध का क्या आएगा थोड़ा सा सोच समझ कर करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बताइए शाबाश जल्दी बताइए वेरी गुड फटाफट से आंसर कर दो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर सी और ए अलग अलग अब देखो इसमें एक चीज देखना कि ताला जो है ताले को खोलने के लिए क्या किया जाता है चाबी का यूज होता है ठीक है इसी प्रकार से अपराध अपराध कैसे पता चलता है किसी का अपराध पता लगाने के लिए क्या किया जाता है तो अपराध पता लगाने के लिए जांच की जाती है यानी कि इन्वेस्टिगेशन होता है तो यहां पर राइट right आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट बनेगा जिस प्रकार ताले से रिलेटेड चाबी है उसी प्रकार अपराध से रिलेटेड यहां पर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट बताइए रेडियो रेडियो का संबंध है श्रोता से तो चलचित्र का संबंध किससे होगा जिस प्रकार रेडियो का संबंध श्रोता से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होगा बताइए ध्यान से देख लेना चलचित्र कोई अगर समझ ना आए तो इंग्लिश वाला देख लीजिए क्या बोला जाता है ठीक है रेडियो श्रोता यानी कि रेडियो ऑडियंस तो मूवी जो है चलचित्र मतलब मूवी होता है अब देखो रेडियो को ऑडियंस सुनते हैं यानी कि रेडियो को सुना जाता है उसी तरीके से मूवी का रिलेशन किससे आएगा तो मूवी को देखा जाता है मूवी को देखने वाले कौन होते हैं दर्शक होते हैं ऑडियंस होते हैं यानी कि ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा ठीक है डी वालों का बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो क्या दिया है एक आठ लोग आपको सामने आठ व्यक्ति दे रखा है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन केंद्र की ओर एक वृत्त में चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर फेस करके यानी कि सेंटर की तरफ उनका फेस है और एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं तो आपको दे रखा है ए और डी के बीच तीन लोग बैठे हैं बी ए के दाएं दूसरा बैठा है सी एफ के तुरंत दाएं है डी एफ या ई e का निकटतम पड़ोसी नहीं है और नेक्स्ट दिया एच बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और आपको बताना है डायग्राम बनाने के बाद कि जी के में ई का स्थान क्या है यानी कि जी से अगर हम देखें तो ई का ई की जो पोजीशन है वो हमारी क्या रहने वाली है पहले बनाइए डायग्राम उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सुरेश चंद रिफ्रेश कर लो या अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए फिर अच्छे से दिख जाएगा पहले डायग्राम बनाइए देखो सी आंसर चलिए देखते हैं गलत बना रहे हो डायग्राम इसमें देखो एक सर्कल है एक वृत्त है ठीक है वृत्त के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं आठ वृत्त का क्वेश्चन जब भी आए हमेशा सबकी पोजीशन पहले डिसाइड करना अब लोगों को हमें सर्कल में पहले से बैठाना है तो किस तरीके से बैठाओगे एक इधर दूसरा इसके सामने तीसरा नीचे तो चौथा इसके सामने फिर पांचवा इधर तो छठा इधर सातवां इधर तो आठवां इधर इस तरीके से वो सेंटर की तरफ फेस करके आठ लोगों की पोजीशन है हमने डायग्राम पहले बना लिया अब इसने क्या बोला है फर्स्ट लाइन से देखना शुरू कीजिए तो इसने बोला ए और डी के बीच तीन लोग बैठे हैं पहली लाइन ये बोली लेकिन हमें ये नहीं पता ए कहाँ है डी कहां है तो तीन लोग सीधा हम नहीं ले सकते एक बार इसको छोड़ दो सेकंड लाइन देखो जो पहले सौ परसेंट कन्फर्म हो उसी को लेना सेकंड बोला बी ए के दाएं दूसरा बैठा है अब इसको हम ले सकते हैं बी कहा बैठा है ए के दाएं। दूसरा। मान लीजिए ए यहां बैठा है ठीक है इस ए के दाई साइड दूसरा कौन है बी तो पहला दूसरा यहां पर कौन है बी अब इसने एक चीज बोली ए और डी के बीच तीन लोग हैं। अब ये यह यहां पर है ये कंफर्म हो गया तो एक दो तीन लोग छोड़ेंगे तो डी हमारा इधर से यहां आना चाहिए एक दो तीन लोग छोड़ेंगे तब भी डी हमारा इधर से भी यही वाली पोजीशन पर आ रहा है यानी कि इधर से तीन काउंट करो या फिर इधर से तीन काउंट करो डी की पोजीशन सेम आ रही है इसका मतलब कंफर्म है डी वहां बैठा है फिर नेक्स्ट देखो सी एफ के तुरंत दाएं है क्या बोला है सी कहाँ है एफ के तुरंत राइट साइड है लेकिन इसने एक चीज और बोली है कि एफ जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है अब कहने का मतलब सी और एफ दोनों पास पास आएंगे यानी कि हमें दो स्थान एक साथ खाली देखने हैं तो यहां पर एक ही खाली है यहां भी एक खाली है तो यहां नहीं आएंगे अब यहां तीन स्थान एक साथ खाली है तो इन तीनों में से कहीं बैठे होंगे सी और एफ लेकिन क्या लेना है सी जो है वो एफ के दाई साइड होना चाहिए एफ के तुरंत दाएं अगर मैं मानती हूं एफ यहां तो तुरंत दाए सी यहां होगा लेकिन इसने बोला है एफ डी का पड़ोसी नहीं है तो ये वाला स्थान भी कट गया एफ यहाँ पर नहीं आएगा अब एफ को हम यहां रखेंगे तो एफ के दाएं तुरंत दाएं सी है तो तुरंत दाया एफ का कहा हुआ इधर और इसके तुरंत दाएं कौन है सी है यहां तक हो गया एच बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एच यहां और यहां दोनों जगह पर नहीं आएगा क्योंकि वो बी का पड़ोसी नहीं है तो ये चीज कंफर्म हो गई एच यहां पर आएगा फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इसने ये भी बोला है कि ई e, डी का पड़ोसी नहीं है ई e क्या है डी का पड़ोसी नहीं है तो ई e यहाँ पर नहीं आएगा तो ई e एक ही स्थान बचा है यहां पर आ जाएगा अब हमारे पास एक व्यक्ति बचा और एक स्थान बचा कौन सा व्यक्ति बच गया जी और बचे हुए स्थान पर आ गया जी डायग्राम बन चुका है अब आंसर कर दीजिए शाबाश वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड क्रिशन चौधरी से ज्यादा शेयर कर दो अच्छा क्वेश्चन है ठीक है समझने में टाइम लगता है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो अब हमारा डायग्राम बन चुका है क्वेश्चन क्या है जी के संदर्भ में ई का स्थान जी से अगर हम ई की पोजीशन देखें तो क्या है एक तो ये है कि जी यहां पर बैठा है तो इधर इसका क्या है लेफ्ट बाएं से पहला दूसरा एक आंसर तो बनेगा बाएं से दूसरा और दूसरा आंसर क्या बनेगा जी से अगर इधर से ई की पोजीशन देखें तो एक दो तीन चार पांच है. दाएं से छटा ऑप्शन में कौन सा दे रखा है देखो दाएं से छठा तो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में दे रखा है बाएं से दूसरा तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी होगा ठीक है आ गया चलिए संदीप शर्मा कूल डाउन कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी अच्छे से बनाइए आप अब देखो इसी डायग्राम पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और है है उसका आंसर देना है। इसका आंसर देना इसका दीजिए दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित पांच में से चार किसी प्रकार समान है और अपना एक समूह बनाते हैं उसे चुनिए जो इस समूह में नहीं आता उसी डायग्राम के आधार पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आंसर होगा बताइए शाबाश देखो अब इसमें मैं आपको बोलूं कि जी ई डी सी तो पहले चेक करो जी ई -E. एक व्यक्ति है दोनों के बीच डी और सी की अगर बात की जाए तो इधर से दो है और इधर से और ज्यादा है एक साइड चेक कर लो फिर उसके बाद ए एफ ए बी और ई ए एफ ए एफ के बीच एक है ए बी के बीच एक है और ए क्या था ए लास्ट वाला क्या था ए ई के बीच भी देखो एक व्यक्ति है तो यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन बी होगा ना हाँ वेरी गुड बी होगा क्योंकि डी और सी के बीच दोनों साइड से अगर चेक किया जाए तो एक साइड दो व्यक्ति है शायद और एक साइड चार है बाकी सभी में कोई भी साइड से चेक कर लो एक साइड से हमें दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति मिल रहा है तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा होगा ऑप्शन बी होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी बनाइए नेक्स्ट देखो क्या कहता है एक कक्षा के छात्रों की ओस्त आयु अड़तीस वर्ष है इनमें से लड़कियों की ओर आयु कितनी है बयालीस वर्ष और लड़कों की ओस्त आयु है तैतीस वर्ष यदि लड़कियों की संख्या पच्चीस हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी बताइए अगर लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स की संख्या यहां पर ट्वेंटी फाइव है तो बॉयज कितने होंगे रेशो बनाकर बताइए आपने मैथ में पढ़ा होगा मिश्रण का चैप्टर यानी कि जिसको बोला जाता है मिक्सर एंड एलिगेशन मिश्रण का जो चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन उसमें हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं तो बताइए क्या होगा राइट आंसर <laughs> क्वेश्चन नंबर तेरा का फटाफट से आंसर कर दो शाबाश जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर रखा लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दो सारे एक साथ देखो लाइक करना ही भूल जाते हैं आप वेरी गुड मॉर्निंग एच आर ट्वेंटी टू क्यों नहीं आता चैप्टर नहीं पढ़ रखा क्या मैथ में अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है ना इसमें आपको क्या दे रखा है एक साइड दे रखी है लड़कों की आयु दूसरी साइड आपको दे रखी है लड़कियों की आयु और एक बीच में आपको दे रखा है दोनों की मिलाकर ओस्त आयु यानी कि तीनों कुल मिलाकर क्या है ओस्त है एक में दोनों का कॉमन है और एक में अलग अलग है तो कैसे लेंगे एक साइड ले लो लड़कियां और एक साइड ले लो लड़के ठीक है अब देखो लड़कियों की ओस्त आयु यहां पर कितनी बोली है बयालीस वर्ष लड़कों की ओस्त आयु कितनी है तैतीस वर्ष दोनों की कॉमन अगर बोली जाए दोनों को मिलाकर कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है अड़तीस यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों की एवरेज कितनी है थर्टी एट तो इसको हम दोनों के बीच में रखें। अब आपको क्या करना होता है इन दोनों का अंतर निकालकर इस साइड लिखना है और इन दोनों का अंतर निकालकर इस साइड लिखना है तो अड़तीस में से तैतीस घटाया कितना बचा पांच बयालीस में से अड़तीस घटाया चार यानी कि आपका यहाँ पर रेशो बन गया कि लड़की का रेशो फाइव है लड़की के सामने जो आएगा वो लड़की का होगा ठीक है और लड़के का रेशो कितना है फोर है ठीक है अब देखो यदि लड़कियों की संख्या कितनी है पच्चीस और यहाँ पर लड़कियों का रेशो कितना है पांच इसका मतलब इस पांच की वैल्यू कितनी है पच्चीस तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी पच्चीस बटा पांच यानी कि एक के इक्वल वैल्यू कितनी आएगी पांच और लड़कों का रेशो कितना है चार तो इस चार की इक्वल वैल्यू कितनी होगी चार गुना पांच यानी कि बीस तो लड़कों की संख्या यहां पर पूछी गई है और लड़कों की संख्या कितनी होगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ट्वेंटी यानी कि ऑप्शन बी होगा ठीक है आ गया ठीक है तो सबको आ गया समझ ट्वेंटी आएगा मिक्सर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी आई ट्वेंटी आ गया अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो मिक्स है रीजनिंग में आपको फिर से बता देती हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मैथ भी पढ़ते हैं जीके भी पढ़ते हैं करंट भी पढ़ते हैं ठीक है सब कुछ हमारा जो मिक्स आता है इंग्लिश भी पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जो सब्जेक्ट बनता है उसको बोला जाता है रीजनिंग रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके यहां पर सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होते हैं बताओ शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मैं किसी का कमेंट देख नहीं पाऊं तो बुरा मत मानिएगा पढ़ लो आप अच्छे से फटाफट से स्पीड बढ़ा दो आंसर करने की किलोमीटर अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया चलिए इसको जल्दी से यहां से भगा देते हैं पांच किलोमीटर पश्चिम की ओर चला सचिन पश्चिम इधर है वो पांच किलोमीटर चला फिर वो बाएं मुड़ा अगर इधर जा रहा है तो बाया कहा मुड़ेगा नीचे की तरफ कितना चला पंद्रह फिर से बाएं मुड़ा तो बाया इधर मुड़ेगा अभी और फिर से चला पांच किलोमीटर यहां पर पहुंच गया आपसे पूछा है तो ये भी कितना होगा पंद्रह तो प्रारंभिक स्थान से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन डी वेरी गुड इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से पढ़ लेना ठीक है ध्यान से पढ़ लेना कौन सा आरेख मानव प्राणियों शिक्षक और स्नातकों स्नातकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है किस किस के बीच रिलेशन बताना है मानव प्राणी यानी कि ह्यूमन बींग्स टीचर एंड ग्रेजुएट्स तीनों के अंदर रिलेशन कौन सा दिखाएगा जल्दी बता दीजिए थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आप थोड़ा सा गलत हो रहा है थोड़ा सा और सोच लो यहां तक तो सबने सही कर दिया कि ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो टीचर सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में आते हैं और ग्रेजुएट जो है सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में आएंगे लेकिन अगर आप यहां से रिलेशन देखो कि टीचर और स्नातक जो है शिक्षक और स्नातक जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है तो कुछ शिक्षक स्नातक किए होते हैं कुछ शिक्षक स्नातक नहीं किए होते तो दोनों का कुछ वाला रिलेशन बनता है इसलिए हमारा इस तरीके से आंसर होगा आप लोग आंसर कर रहे हैं बी लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा रिलेशन शिक्षक और उसका स्नातक का भी बनता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अगर आप इंटरेस्ट लेकर करोगे तो परसों किरण का जन्मदिन है ठीक है अगले सप्ताह उसी दिन क्या है शिवरात्रि है आज सोमवार है तो बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा जल्दी से आंसर कर दो अच्छा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है बताइए शबश देखो बात नहीं करो बच्चे बात नहीं करो संदीप शर्मा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चे जल्दबाजी में फिर आप आंसर गलत कर रहे हो ध्यान से देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है लास्ट वाली लाइन आप अधूरी छोड़ते हो फिर आंसर गलत आएगा इसमें देखो ये नहीं पूछा कि शिवरात्रि को कौन सा दिन पड़ेगा अगर आपने जल्दबाजी में ये पढ़ा कि शिवरात्रि को कौन सा दिन पड़ेगा तो आपने आंसर कर दिया बुधवार लेकिन इसने ये पूछा है शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा यानी कि शिवरात्रि से अगला दिन आपको बताना है अब ध्यान से बताइए कौन सा होगा हाँ वेरी गुड देखो परसों किरण का जन्मदिन है अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है यानी कि जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन क्या है शिवरात्रि आज इसने बोला है आज कौन सा डे है आज मंडे है यानी कि सोमवार है अगर आज सोमवार है तो कल और परसों कौन सा दिन होगा निकाल लो सीधा सीधा आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार होगा और परसों कौन सा दिन होगा बुधवार अब परसों बुधवार है और परसों बुधवार को क्या है किरण का जन्मदिन है अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है यानी कि बुधवार को नेक्स्ट वीक में क्या है शिवरात्रि है अब शिवरात्रि वाले दिन क्या है बुधवार लेकिन आपसे पूछा है कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा शिवरात्रि से अगला दिन पूछा गया है यहां पर तो शिवरात्रि पड़ेगी बुधवार को और शिवरात्रि के बाद वाला दिन कौन सा होगा तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार यानी कि थर्सडे बस्तीवार तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी होगा हाँ वीरवार वालों का बिल्कुल सही है चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए यह तो आपका हो गया है तो अच्छे से सबका आंसर सही आना चाहिए क्या है लड़कों की एक पंक्ति में मदन दाई ओर से आठवां और अजय बाई ओर से आठवां है जब उन्होंने अपने स्थान बदल लिए तो आपको बोला है अजय बाई ओर से सोलवा हो गया तो पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं बताइए शाबाश टोटल लड़के कितने होंगे बताओ जल्दी जल्दी से आंसर कर दो वेरी गुड एक एक बार सारे स्टूडेंट सेशन शेयर भी कर दीजिए शाबाश एक एक बार सभी बच्चे सेशन शेयर कर दो और जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या आ रहा है ट्वेंटी थ्री चलो देखो क्या बताया था मैंने कि स्थान बदलने के बाद जिसका स्थान दे रखा है जिस साइड से पोजीशन दे रखी है वो हमें हंड्रेड परसेंट लेना है अब बदलने के बाद अजय कौन सी पोजीशन पर हुआ बाएं से सोलवा यानी कि स्थान बदलने के बाद हमें पोजिशन पता है कि लेफ्ट से कौन सी है सोलवी टोटल निकालने के लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता होना चाहिए तो लेफ्ट तो हमने ले लिया सोलह तो राइट से कौन सा स्थान है ऊपर नजर मार लो राइट का अगर हम देखें तो राइट से कौन सा है आठवां ठीक है तो कैसे निकालेंगे टोटल दोनों जोड़ दीजिए सोलह प्लस आठ चौबीस चौबीस में से एक घटाएंगे तभी हमारा निकलेगा आंसर यानी कि दोनों पोजीशन हम दो बार काउंट कर चुके हैं इसलिए हमने जोड़कर एक घटा दिया क्या बचा ट्वेंटी थ्री 23, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी होगा ट्वेंटी थ्री अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सात छह चार बराबर है छह सौ चौहत्तर आठ गुना पांच गुना तीन पांच सौ तिरासी नौ गुना एक गुना दो बराबर क्या होगा जल्दी से बता दो क्या होगा राइट आंसर बताइए वेरी गुड ये तो आ जाएगा है ना सबका गुड 192 अब देखो एक चीज चार यहाँ है चार सेम है यानी कि लास्ट अक्षर लास्ट में सेम है यहाँ तीन है यहां तीन है लास्ट वाला इसने सेम रखा लेकिन आगे सात छह है तो इसको इसने छह पहले लिख दिया सात बाद में लिख दिया चेंज कर दिया यहां पर आठ पांच है तो इसने क्या लिखा पांच आठ तो यहां पर क्या करोगे एक नो और लास्ट वाला सेम रहेगा दो यानी कि क्या बन गया हमारे पास 192 ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन बी चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए रेणु से आयु में सीता बड़ी है रेणु से आयु में गीता छोटी है सीता से आयु में प्रिया बड़ी है इन सभी में आयु में सबसे बड़ी कौन है जल्दी बता दो सबसे बड़ी यहां पर कौन होगी जल्दी बताइए शाबाश फटाफट से बताइए प्रिया चलो बना लेते हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे रेणु से आयु में क्या है सीता बड़ी है बड़े को ऊपर रखो छोटे को नीचे रखो रेणु से कौन बड़ी है सीता बड़ी है तो सीता ऊपर जाएगी ठीक है फिर इसने बोला रेणु से आयु में गीता छोटी है तो गीता छोटी है तो नीचे आ गई फिर सीता से आयु में प्रिया बड़ी है सीता से प्रिया बड़ी है तो वो इससे ऊपर चली गई इन सभी में सबसे बड़ी कौन है सिंपल क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है तो सभी में सबसे बड़ी कौन है प्रिया है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा आ गया यहां तक चलिए वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही है यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा प्रिया होगा चलो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं परचम की तो पहले सभी बच्चे एक चीज ध्यान से सुनिए पहले आपका था 45 डिस्काउंट 45 परसेंट डिस्काउंट जो आपको 31 जनवरी तक था वो अभी समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी आपका एग्जामपुर परिवार आपको दे रहा है अब भी सभी कोर्स पर 30 परसेंट का डिस्काउंट 30 परसेंट कम नहीं होता बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो आपको सभी कोर्स पर मिल रहा है एग्जामपुर परिवार की तरफ से थर्टी का आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए वहां से आप कोर्स परचेज कीजिए और उस पर मिलेगा सीई टी का, सेम सेम का स्पेशल बेच चला हुआ है किसान बेच तो अगर आप सीई की तैयारी करते हैं तो किसान बेच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन शानदार सा कंटेंट आपको दिया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है यानी कि सौ परसेंट आपका सिलेक्शन वहां से शेक्योर है। तो सभी बच्चे किसान बेच को ज्वाइन कीजिएगा किसान बेच में भी आपको कोड अप्लाई करना है एग्जाम जिससे आपको किसान में भी 30 का डिस्काउंट मिलेगा तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और खुद भी आप कोड को जरूर लीजिएगा तो अभी आज की क्लास में आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देती मैं कल की क्लास में जो था क्वेश्चन सबका सही था जिन्होंने कमेंट करके बताया अब मैं आप लोग आज होमवर्क की क्वेश्चन की आंसर देने की बजाय कमेंट करके ये जरूर बताना सारे बच्चों से एक ही उम्मीद की जाती है छोटी सी इतनी मेहनत होती है आपकी क्लास के पीछे उसमें सिर्फ इतना सा वेट किया जाता है कि आप लोगों की वैल्यूएबल फीडबैक आए उसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है तो कोशिश कीजिए कि जितने बच्चे क्लास देखते हो सभी वहां पर कमेंट करके एक बार जरूर बताएं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी ठीक है आज की क्लास में इतना ही हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद जय भारत